हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि आखिर जब यूट्यूब पर हम आ गए हैं और कुछ लोग आना चाहते हैं जो, और उनके लिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो है, और ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि आप अगर न्यू हैं तो कैसे चैनल को ग्रो करना है, तो चैनल को कैसे ग्रो करना है वो देखना है आपको। तो आज इस टॉपिक में हम बताएंगे कि चैनल को आपको ग्रो कैसे करना है और सब्सक्राइबर कैसे लाना है और व्यूवर्स कैसे लाना है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि व्यूवर्स आएंगे तो सब्सक्राइबर भी आएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको खुद से सोचना है। सोचना ये है, जो दिमाग में जोर देना ये है कि आप जो वीडियो, आप जब यूट्यूब पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप, सबसे पहले आप क्या वीडियो पर, जैसे ही आप यूट्यूब पर गए तो वीडियो क्या देखते हैं आप, कि सबसे पहले जैसे जिस टॉपिक पर आपका, जिस टॉपिक पर सर्च करते हैं आप, सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं तो जिस टाइप से खुलता है यूट्यूब का सारा, तो या टॉपिक पर जैसे आप जाते हैं तो क्या चीज़ उसमें दिखता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप सर्च मारेंगे या फिर यूट्यूब पर जैसे ही आपको कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स मिलेंगे या फिर डिस्प्ले ऐसे मिलेंगे जिससे कि आपका मन अट्रैक्ट करेगा कि इसे तो दिखना चाहिए हमें। तो वही चीज़ हमें आज करना क्या है, उसी चीज़ पे हम बात करेंगे, स्पेशल बात करेंगे थंबनेल पे। जो आप पोस्टर देखते हैं यूट्यूब पर जैसे ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे पोस्टर मिलते हैं जिससे कि आपका मन अट्रैक्ट करता है कि आपको ये वीडियो तो हमें देखना ही चाहिए। और जैसे हम ओपन करते हैं वीडियो को और उसमें कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है जो हम कभी नहीं तो जानते हैं, या तो जानकर या तो उसे कॉमेडी समझकर हंसकर या तो खुश हो जाते हैं, या जानकर हमें ये होती है, जानकर हमें खुशी होती है कि चलो जानकारी मिला, चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी ऐसे कंटेंट बनाना है जिससे, और थंबनेल ऐसे बनाना है जिससे कि वो जो भी व्यूअर्स होंगे आज पे वीडियो पर क्लिक करें, और क्लिक करने के साथ वो जैसे कंटेंट पे आप जानकारी, आप अगर अच्छे जानकारी अच्छा नॉलेज आप देते हैं व्यूअर्स को, तो फिर आपको जो है उस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं वीडियो को, और आपको और भी वीडियो देखते हैं। तो यही हमको आज सीखना है कि हम थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप मेरे वीडियो पर देख रहे होंगे, मेरा थंबनेल जो है वो कैसे हमने बनाया है, अगर थंबनेल हम बना कैसे रहे हैं वो चीज़ आज हमको सीखना है। ऐसे तो बहुत कुछ अभी सीखना है, जैसे में कि हैशटैग और सजेस्टेड वीडियो और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि हम वहाँ पर पहुँच कर अपना यूट्यूब को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो एक वीडियो हमने आपको छोटी सी बात बताएंगे, एक वीडियो हमने बताया था, बनाई थी आपको, कि आपको पैसा लगा कहीं भी प्रमोट नहीं करना है यूट्यूब का, कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, जो भी करना है हमको फ्री करना है क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं। तो ये आपको छोटी सी जानकारी दे रहे थे। और आज हमारा टॉपिक है थंबनेल, थंबनेल हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और कैसे बनाएंगे, और वो भी हम फोन से ही बनाना है, मोबाइल से बनाना है, नहीं कि हमारे पास लैपटॉप और पीसी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, और सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब पर हमको डालना है, और थंबनेल इतनी अच्छी बनाना है कि लोग देख, और देखकर कंटेंट देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वहीं स्टार्ट करते हैं आज से, अभी से, कि थंबनेल कैसे बनाना है, चलिए दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं अभी मोबाइल के डिस्प्ले पर, और आपको अभी यहाँ से जाना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, और प्ले स्टोर पर देखिए सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर, यानी कि सबसे पहला जो होगा वो टाइप करना है आपको PICSART, यानी कि PicsArt, ये ऑलरेडी हमने टाइप करके रखा है PicsArt, ठीक है, और हमने डाउनलोड भी कर रखी है आपके लिए ताकि हम आपको बता सके, और ऑलरेडी हम भी इसको यूज़ करते हैं तो हमने रखा है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कैसे इसका यूज़ करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे इसको, हम ओपन कर लेते हैं, तो देखिए हमने ऑलरेडी रखा है एक फ़ोटो, तो देखिए ये फ़ोटो हमने बनाई, तो कैसे बनाई हमने, कट किया, तो देखिए आगे बताएंगे हम आपको। देख लीजिए ये मेरा फ़ोटो है, ये पीछे का बैकग्राउंड का फ़ोटो है, ये फ़ोटो बैकग्राउंड बाहर, देखिए पीछे में ये वुड का डोर लगा हुआ है, लेकिन अब इसको वुड का डोर हटा देना है हमको। तो कैसे हटाएंगे, तो हम यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे क्या है आपको हम थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। तो देखिए सब क्या है यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो कटआउट देख रहे हैं ना आप, लिखा है यहाँ पे कटआउट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे
कटआउट लिखा हुआ है और ये कटआउट पे आपको क्लिक करना है। इसको हटाते हैं, कटआउट पे क्लिक करना है। अब कटआउट पे क्लिक करने के बाद फिर एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से ब्रश को से नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना आप जैसा ठीक आदमी के जैसा दिख रहा है, मुंडी है और नीचे में है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपका बॉडी का जो होगा वो कट कर लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा रेड कलर का। और ये हो गया। और आप जैसे ही अगर सपोज़ मान लीजिए कि और भी कुछ इस पर कुछ करना चाहते हैं जो कुछ कट रहा है, तो आप जब भी यूज़ करेंगे दो उंगली का यूज़ करेंगे। अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जैसे सिंगल यूज़ करना होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे सिंगल यूज़ करेंगे हम अगर, तो देखिए अगर और भी कुछ लेना चाहते हैं तो ब्रश पे क्लिक कर लीजिएगा। जो ब्रश देख रहे हैं यहाँ पे है, रबर है, ये ब्रश है। ये ब्रश से क्या होगा कि और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे इधर भी लेना चाहते हैं और भी लेना चाहते हैं। और रबर से क्या होगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं, सपोज़ मान लीजिए ये हो गया, और मान लीजिए जैसे हटाना चाहते हैं ये हाथ आप नहीं लाना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हाथ हट गया, यहाँ से ये जो है इतना हट गया, तो आपको अब लाना है सिर्फ इतना, जितना रेड कलर में है वही आएगा। तो आपको करना क्या है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के साथ ही ये ऑलरेडी सेव हो चुका, देखिए इस तरह से सेव हो गया, यानी ये आपका गैलरी में सेव हो गया, गैलरी में सेव हो गया। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद फिर एक और ऐप जो है, दो ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको थंबनेल के लिए ये आपको रखना पड़ेगा, तभी थंबनेल आपका अच्छा बन पाएगा। तो दूसरा जो है वो है PIXEL, इसका नाम है पिक्सल लैब। ये पिक्सल लैब जो है आप इसको डाउनलोड कर रखेंगे, जैसे मैं हमने डाउनलोड कर रखा है तो आपको बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा है, जो सभी यूट्यूबर यूज़ करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसको पहले हटा के आपको बता दें कि लाना कैसे है। हम ऑलरेडी यहाँ पर रखे थे, बना रहे थे तो हमने रखा था, आपको पहले हटा के दिखा दे रहे हैं हम कैसे लाना, कैसे है फ़ोटो, कैसे लाना है और कुछ लिखना कैसे है, यहाँ हम सभी बता देंगे। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना ये है, इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे YouTube पे साइज़ क्या होता है, थंबनेल का साइज़ तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो थंबनेल का साइज़ होता है वो होता है 16:9, यानी कि 16:9, और विथ होता है 1280 और हाइट होता है 720। तो हमको कुछ नहीं वो सब करना है, इस ऐप में यही एक फैसिलिटी है कि आपको ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करना, ये चार बिंदु जो देख रहे हैं ना इस पर क्लिक करना, ये चार तीन बिंदु है, तीन बिंदु पे क्लिक करना है आपको। और तीन बिंदु पे क्लिक करते के साथ फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, यानी कि फुल स्क्रीन कहेंगे तो पूरा फ़ोन का स्क्रीन आ जाएगा। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, कैसा टाइप की यूज़ फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज। तो हमको करना क्या, अभी इमेज साइज करना है, तो इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, ये जो देख रहे हैं इमेज साइज इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आगे देखिए कस्टम होगा, तो हम आपको बताया था अभी कि 1280 और 720 ये यूट्यूब का ये थंबनेल का साइज है, यानी 16:9 हमारा ऑलरेडी कर रखा है। और नहीं तो आप देखिए यहाँ से होता है यूट्यूब चैनल का बैनर भी बना सकते हैं, यहाँ से यूट्यूब का थंबनेल है, तो हमने यूट्यूब का थंबनेल को सेलेक्ट कर दिया है और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ये साइज जो है यूट्यूब का थंबनेल का साइज है। उसके बाद जैसे हमको फिर यूज़ करना है फ़ोटो का, तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। और फ्रॉम गैलरी से फिर जैसा कि अभी मान लीजिए मैंने फ़ोटो रखी है, आपको सपोज़ ये फ़ोटो हम चलिए ऐड करते हैं, एक सपोज़ एक फ़ोटो ऐड करके रखते हैं, पर ये मेरा फ़ोटो ये है, ये फ़ोटो को हम ऐड करना चाहते हैं। तो आप जैसे कि हम वहाँ पर जो कट किए थे, तो कट करने के बाद ये सारा जैसे हो गया, तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट है ये प्रॉपरली हट जाएगा वहाँ से। देखिएगा जैसे हम ये ओके बटन दबाना है और ये हट गया, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटा करके यहाँ से इसको ऐसे साइज कर लिए, ये हो गया। और सपोज़ कुछ भी लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट में लिखेंगे, टेक्स्ट पर दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको जो भी लिखना है, सपोज़ मेरा चैनल का नाम अगर हम लिख कर दिखा दे रहे हैं मिस्टर अमित जी के, और यहाँ से ओके करेंगे और ये आपका आ गया। और स्टाइल ले लेंगे हम, ब्राउज करेंगे, सैंपल में जाएंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पे साइज चाहे तो साइज के लिए आपको करना क्या है, टेक्स्ट साइज में जाना है और इसको क्लिक करना है। देखिए किस तरह से बढ़ गया, माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया आपको।
और फिर से रोटेट करने के लिए भी, और चाहे तो ऐसे क्लिक जो भी इस, अगर इस वर्ड पे कुछ भी करना चाहते हैं तो वर्ड पे ये जो घेरा देख रहे हैं घेरा होना चाहिए, यानी कि इस पर जो जो भी काम करेंगे इस पर होगा ये। तो आप यहाँ से राइट लेफ्ट भी ले सकते हैं और अप डाउन भी ले सकते हैं, आपको बहुत फैसिलिटी है इसमें, इस ऐप का बहुत ही फैसिलिटी है और हर यूट्यूबर इसी ऐप को यूज़ करते हैं और यहाँ से थंबनेल बना सकते हैं। आप इस पे काम करिए और आपको जानकारी हो जाएगा, तो आपको जानकर शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इस चैनल यूट्यूब के वीडियो के बारे में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।